एमसीडी के मेयर जयप्रकाश से न्यूज 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी। सर, कल जिस तरीके से वेल में आम आदमी पार्टी की पार्षद गुड्डी देवी आई और केरोसिन लेकर, और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगी, क्या कारण रहा कि उन्हें इस तरीके का स्टेप वेल में आकर उठाना पड़ा? देखिए, कारणों का आज तक पता नहीं चल पाया है कि उन्होंने किस कारण से ऐसा किया, क्योंकि वो जो बात कह रही है वो 3 साल पुरानी बात कह रही है। अगर किसी की कोई समस्या 3 साल से, तो उसको लगातार वो उसमें हाउस में उठाएगा, लिख करके भेजेगा, बताएगा। अगर कहीं सफाई कर्मचारी उनके वार्ड में कम हुए तो उनको हमें बताना चाहिए, और वो कब हुए, क्यों हुए, रिटायर हो गए क्या, क्या हो गया, उनकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन हाउस में वेल के सामने आकर के केरोसिन लाना और धमकी देना, कोई बुराई कह के नहीं आती, पता नहीं कब बुराई दिमाग में आ जाए और कोई घटना घट जाए। देश की राजधानी, उसके नगर निगम में एक जिम्मेदार निगम पार्षद जो सेकंड टाइमर है, जो अभी आम आदमी पार्टी में गए, हम तो आम आदमी पार्टी से ही पूछना चाहते हैं, क्या आम आदमी पार्टी की साजिश थी, क्या उन्होंने रचना बना के भेजी थी, क्या उन्होंने उनको सिखा पढ़ा के भेजा था? आज आम आदमी पार्टी इस बात की क्लैरिफाई करे कि उनकी पार्षद हाउस के अंदर केरोसिन लेके कैसे आई। मैं आज उनको पार्टी को नोटिस देने वाला हूँ, उनको नोटिस देने वाला हूँ, अब पूछने वाला हूँ। हम फील्ड में काम करते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का समाधान भी होता है, समस्या उठाई भी जाती है, लेकिन उसका तरीका क्या अपनाना है, तो इसका मुझे बड़ा दुख है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल सर, आपने कहा कि इस तरीके से अपनी बात को रखना एक गलत कदम है। जिस तरीके से गुड्डी देवी ये कह रही हैं कि 115 के करीब जो कर्मचारी हटा दिए गए क्योंकि ट्रायल मशीन्स आ गई, टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो फिर आखिरकार उन्हें क्या दिक्कत रही कि उन्होंने अपनी बात सामने से न रखकर इस तरीके का कदम उठाया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले एक वर्ष से महापौर हूँ और हाउस में इतने विषय हो चुके हैं, उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही, या मुझे वो लिख करके देती कि महापौर होने के नाते मेरे एरिया में सफाई कर्मचारी कम हो गए हैं। वो बात 2018 की कर रही हैं, तो 2018 में उन्होंने कब कब आवाज़ उठाई, 19 में कब कब उठाई, 20 में कब कब उठाई, अब 21 में आकर के आप बात कह रहे हो, तो हमारे को छोटी चीज़ नहीं करनी थी जिससे कि हम समझे कि एक फुटेज मिल जाए। आप जिम्मेदार हो, दूसरी बार चुनकर गए हो, हम तो फिर भी फर्स्ट टाइमर हैं, तो आपको हाउस की गरिमा का बना कर रखना पड़ेगा, सदन की गरिमा को बना कर रखना पड़ेगा। लोग आज आपसे सीखेंगे, कल दो आम आदमी पार्टी के नए पार्षदों ने शपथ ली, उनको आप क्या संस्कार दे रहे हो? तो आम आदमी पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्षद को उन्होंने सिखा के भेजा था, इसके पीछे क्या बात है, क्या साजिश है, क्यों हाउस के अंदर ऐसी घटना का अंजाम देने की कोशिश की। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी, जिनका कहना है कि कल आम आदमी पार्टी की पार्षद जिस तरीके से वेल में आकर केरोसिन लेकर आई और आत्मदाह की उन्होंने धमकी दी, ये बिल्कुल अनुचित कदम है, और उसको देखते हुए वो आम आदमी पार्टी को एक नोटिस जारी करने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि आखिरकार उनकी पार्षद ने इस तरीके की काम क्यों किया। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।